بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم dear students my name is Amanullah I am your social studies teacher today we will discuss chapter number 7 main crops in the previous lecture we discussed about the main crops and studied wheat which is one of the main crop of Pakistan. In today's lecture, we will further discuss the detail about other main crops of Pakistan. On your screen, you can see the contents of the lecture, which are cotton and rice, the most important main crops of Pakistan. After this lecture, we will be able to know what is cotton, its uses, and where it is grown. Pakistan cotton growth and export of cotton. Rice, in which area of Pakistan rice is produced? Role of Pakistanis rice and cotton in foreign exchange. How these crops benefits Pakistan? Before we discuss cotton and rice, let us have a look on all the main crops which Pakistan produce. Agriculture. Agriculture is the backbone of every country in terms of economy. On your screen, you can see the list of the major crops produced by Pakistan, which are wheat, cotton, rice, grains, pulses, beans, peas, and sugarcane, maize, bajra, and jowar, fruits, oilseed. Pakistan produces these crops not to fulfill their own needs, but also one of the largest supplier of these crops. In the previous lecture, we have discussed the detail about the wheat, how is it produced, in which land of Pakistan wheat cultivated, how wheat plays role in Pakistan export. Similarly, we will discuss all these of cotton and rice. Let's start from the cotton. What is cotton? A soft white material that grows on the seeds of the cotton plants and used to make different fabrics. इसका मतलब ये है कि कॉटन एक ऐसा नरम मटेरियल होता है जो बीज बोने की वजह से पौधे पर उगता है और इसकी मदद से कपड़े बनाए जाते हैं. यानी कॉटन मीन्स कपास. इट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट लीडिंग एग्रीकल्चरल क्रॉप्स. ये दुनिया के बहुत से ममालिक में ज्यादा काश्त की जाती है, जिसकी वजह से कॉटन प्रोडक्ट्स ज्यादा महंगी नहीं होती. कॉटन को मुख्तलिफ तरीकों से काश्त किया जाता है. नंबर वन, मशीनी काश्त. इसके लिए खेत का अंबार आना जरूरी है. इसमें मशीन के जरिए बीज लगाए जाते हैं और इसमें पानी दिया जाता है. उसके बाद 5 दिन बाद
यानी इसमें पानी लगाया जाता है, यानी पानी आप कह सकते हैं इसको दिया जाता है। आज से काश्त करना यानी आज से बीज काश्त करते वक्त 6 से 7 इंच गहराई तक पानी देना पड़ता है, और पानी देने के बाद जगह को आज से नरम करना जरूरी होता है। कपास की फसल की आबपाशी के लिए वेदर कंडीशन और फसल की हालत को मद्देनजर रखा जाता है। अगर पौधे के ऊपर वाले हिस्से का नेलगुं आना यानी उसके तने के ऊपर के हिस्से का तेजी से सुर्ख आना पानी की कमी को जाहिर करता है। आपाशी मौसम के मुताबिक करनी चाहिए। आजकल के जदीद दौर में मुख्तलिफ तरह की खादें भी इस्तेमाल की जाती हैं, जिनका अंदाजा जमीन को देख कर लगाया जाता है। इसके साथ कपास की फसल को बीमारियों से भी महफूज रखना पड़ता है ताकि फसल को नुकसान ना हो। यू विल लर्न अबाउट दिस डिजीज ऑफ क्रॉप्स, सिम्पटम्स, प्रिकॉशंस एंड प्रेस्क्रिप्शंस इन फर्दर क्लासेस। नाउ लेट्स डिस्कस लैंड ऑफ पाकिस्तान वेयर कॉटन इज प्रोड्यूस। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पाकिस्तान का मैप, जिसमें पंजाब के कुछ इलाके बताए गए हैं जहां कपास की काश्त की जाती है, एंड सिंध विच इज द प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान जहां पर भी कपास की काश्त की जाती है। पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क बन चुका है, यानी कपास पैदा करने वाला मुल्क। पाकिस्तान की तकरीबन 75% कपास पंजाब में काश्त की जाती है और 25% सिंध में। पंजाब में मई और जून के महीने में काश्त की जाती है और सिंध में मार्च से अप्रैल के महीने में, यानी ये टेम्परेचर की वजह से जो है। सिंध में चूंकि जल्दी गर्मी पड़ जाती है, इसलिए वहां मार्च से अप्रैल के महीने में ये काश्त की जाती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एरियाज इन डिफरेंट प्रोविंसेस वेयर कॉटन इज प्रोड्यूस्ड। अगर हम सबसे पहले सुबह सिंध की बात करें, तो सुबह सिंध के जो अजला हैं उसमें उमरकोट, मीरपुर खास, बदीन, हैदराबाद और इनमें यकम मई से 15 मई तक इसमें काश्त की जाती है, और इसके अलावा यकम मई से 31 मई तक नवाबशाह, सांगड़, दादू इनमें काश्त की जाती है, और यकम मई से 15 जून तक सखर, जैकबाबाद, खैरपुर और गोटकी वगैरह में। इसके बाद अगर हम सुबह पंजाब की बात करें, तो पंजाब में मुल्तान, खानीवाल, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, विहाड़ी, लोधरा इसमें यकम मई से 7 जून तक काश्त की जाती है, और कुछ ऐसे सानवी इलाके हैं जिनमें फैसलाबाद, बखर, मियांवाली, सरगोधा, नवाबशाह, जंग, टोबा टेक सिंह 16 अप्रैल से 31 मई तक। इसके बाद अगर हम सुबह जो है केपीके की बात करें, तो इसमें डेरा इस्माइल खान के अजला में यकम मई से 31 मई तक। उसके बाद अगर हम सुबह बलोचिस्तान की बात करें, तो इसमें नसीराबाद, जैकबाबाद, सिब्बी, डेरा बोकटी, बोलान इसमें भी यकम मई से 30 जून तक
जो ये कास्ट की जाती है. नाउ वी विल सी इंपॉर्टेंस ऑफ कॉटन रिलेटेड टू एक्सपोर्ट. यानी एक्सपोर्ट होता है बेटा चीजों को बाहर के ममालिक में भेजना, और इंपोर्ट होता है चीजें बाहर से मंगवाना. तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सपोर्ट. पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर कपास की पैदावार पर डिपेंड करता है. कॉटन इज ग्राउन एज अ इंडस्ट्रियल क्रॉप्स इन 15% ऑफ द नेशन लैंड ड्यूरिंग मॉनसून मंथ्स ऑफ द मई टू अगस्त. और फरवरी से अप्रैल में यानी बहुत कम ये उगाई जाती हैं, यानी काश की जाती हैं. पाकिस्तान एक्सपोर्ट फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रॉप्स. इसमें सबसे पहली यार्न, रॉ कॉटन और कॉटन क्लॉथ है. यार्न धागे को कहते हैं जो कॉटन की मदद से बनाया जाता है. रॉ कॉटन कच्ची रुई को कहते हैं, और कॉटन क्लॉथ जो कॉटन की मदद से कपड़े बनाए जाते हैं उनको कॉटन क्लॉथ कहते हैं. यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ दीज प्रोडक्ट्स ऑन योर स्क्रीन. इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉप्स इन पाकिस्तान इकॉनमी. 60% पाकिस्तानी गुड्स आर सोल्ड टू ओवरसीज आर ड्यू टू क्रॉप्स. पाकिस्तान इन प्रोडक्ट्स के जरिए से $2.5 बिलियन हर साल कमाता है, यानी अर्न करता है. इसके अलावा कॉटन का बीज पाकिस्तान का 80% ऑयल सीड बनाने के काम आता है. Now we will see the other countries of the world which produces cotton. दुनिया के दूसरे ममालिक जो कपास की काश्त करते हैं उनमें इंडिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, टर्की और कुछ अफ्रीकन ममालिक हैं. पाकिस्तान दुनिया की तकरीबन 10% कपास पैदा करता है. पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा कपास पैदा करने वाला मुल्क है. बेटा ये चीजें याद रखनी है. यानी पाकिस्तान दुनिया की तकरीबन 10% कपास पैदा करता है. पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा कपास पैदा करने वाला मुल्क है. इंडिया और चाइना दो ममालिक हैं जो पाकिस्तान से ज्यादा कपास और कपास से बनने वाली चीजें एक्सपोर्ट करते हैं. ये भी एक जनरल नॉलेज की बात है. यू हैव टू रिमेम्बर दिस. इंडिया और चाइना दो ममालिक हैं जो पाकिस्तान से ज्यादा कपास और कपास से बनने वाली चीजें एक्सपोर्ट करते हैं. Now we will discuss about another main crops of Pakistan, which is rice. Rice, जिसको उर्दू में चावल कहते हैं. दुनिया के तमाम बड़े ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान 10वें नंबर पर है जो बहुत ज्यादा तादाद में चावल पैदा करता है. चावल पंजाब और सिंध की जरखेज जमीन में उगाया जाता है, यानी काश्त किया जाता है, जो मिलियन किसान के रोजगार का भी जरिया है. वो चावल उगाकर यानी यही चावल उगाकर घर के अखराजात पूरे करते हैं. यानी इसी पे उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है
घर के अखराजात पूरे करने के लिए, घर के अखराजात चलाने के लिए किसानों के पास यही एक वाहिद जरिया है। इन ऑर्डर टू ग्रो राइस फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड। फर्स्ट, देयर मस्ट बी रीजनेबल रेनफॉल। सेकेंड, प्रॉपर इरिगेशन। थर्ड, हैवी एंड वेट सोइल। फोर्थ, क्लाइमेट शुड बी वार्म बिकॉज राइस हार्डली ग्रो इन कोल्ड क्लाइमेट। इसी तरह 2019 में पाकिस्तान ने 7.5 मिलियन टन चावल उगाए और दुनिया के बड़े ममालिक में 10वें नंबर पर आ गया। इसी तरह 2016 और 17 में पाकिस्तान में चावल की पैदावार 6.7 मिलियन टन थी, जिसमें से 4 मिलियन चावल एक्सपोर्ट किया गया। इस तरह चावल एक्सपोर्ट करके ज़रे मुबादला, जिसे फॉरेन एक्सचेंज कहा जाता है, ये हासिल किया गया। चावलों की मुख्तलिफ अकसाम होती हैं। पंजाब में अमूमन बासमती चावल उगाया जाता है और सीडिंग टाइम में, जिसका मतलब है बीज बोने का वक्त, ये मोस्टली 20 मई से लेकर 20 जून तक होता है। पाकिस्तान इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एक्सपोर्ट इन एक्सपोर्ट ऑफ बासमती राइस। इस तरह सीडिंग टाइम पाकिस्तान में, यानी अगर पाकिस्तान की लैंड्स में इसको देखा जाए, फॉर एग्जांपल लोअर सिंध में ऑल वेराइटीज, यानी तमाम अकसाम की जो चावल हैं, उसके जो सीडिंग टाइम है वो 25 अप्रैल से 10 जून तक। अपर सिंध, इसमें तमाम अकसाम के जो चावल हैं उनकी सीडिंग टाइमिंग्स, यानी 15 मई से 30 जून तक काश्त किए जाते हैं। केपीके में ऑल वेराइटीज, यानी तमाम अकसाम के चावल 1 मई से 30 मई तक। और इसी तरह का बलूचिस्तान को देखा जाए तो ऑल वेराइटीज, यानी तमाम अकसाम के जो चावल हैं उनके जो टाइमिंग है वो 15 मई से 30 जून तक है। इस तरह आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के जिन इलाकों में चावल उगाया जाता है, यानी काश्त किया जाता है, उनमें सबसे ज्यादा पंजाब का इस्तेमाल होता है, फिर सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। खादें जिनको फर्टिलाइजर कहते हैं वो फास्फोरस, पोटाशियम और नाइट्रोजन, जो खेतों को तैयार करते वक्त इस्तेमाल की जाती हैं। We can say rice is high valued cash crops and also a major export item in Pakistan. It is cultivated on an area of 2,503,000 hectares, showing an increase of 1.7% over last year. The higher production is due to favorable weather conditions. The top 10 producer of rice in the world according to data gathered by International Rice Research Institute for 2009. China, India, Indonesia, Bangladesh, Vietnam, Thailand, Burma, Pakistan, Japan, Philippines. बेटा यहाँ पे कुछ खाली जगहें आपको दी जा रही हैं, ये आपने अपने नोट्स बुक्स पर लिखनी है।
इसका पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर टू फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर वन, इन पाकिस्तान वीट इज प्रोड्यूस मेनली इन डैश. अब तीन मुबारक आपको बताए जा रहे हैं, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब. तो जाहिर है इसका जवाब पंजाब होगा, क्योंकि पंजाब सुबह जो है वो वीट जो है प्रोड्यूस करने वाला ज्यादा उसमें सुबह पंजाब में वीट जो है प्रोड्यूस होती है. तो फिल इन द ब्लैंक्स में आप पंजाब लिखेंगे, जैसा कि आपने अपने कल के लेसन में भी डिटेल्स आपने सुना. नंबर टू, कॉटन एंड कॉटन गुड्स मेक अप मोर देन डैश परसेंट ऑफ ऑल पाकिस्तान्स एक्सपोर्ट, 40, 90 और 60. जाहिर इसका जवाब भी 60 होगा, जैसा कि आपने पढ़ा. बासमती राइस नंबर थर्ड है, इज ग्राउन ऑनली इन, यानी ये दो ममालिक हैं पाकिस्तान और इंडिया, ये इसमें ज्यादा ये उगाई जाती है. इसकी बासमती जो एक चावल की अच्छी किस्म है वो पाकिस्तान और इंडिया आपने याद रखना है. जो ममालिक आपको दिए गए इसमें मालदीव्स, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया. तो आपने पाकिस्तान और इंडिया जो है ये इसका आंसर होगा. नंबर फोर, राइस नीड्स डैश क्लाइमेट फॉर इट्स ग्रोथ, ड्राई एंड कोल्ड, यानी खुश्क और ठंडा मौसम इनके लिए चाहिए होता है, वेट एंड वार्म इसमें गर्म मौसम चाहिए होता है और नमी वाला, या ड्राई एंड वार्म यानी खुश्क और गर्म. तो इसके लिए जाहिर है चावल लगाने के लिए वेट एंड वार्म जो वेदर है वो चाहिए होता है. नंबर फाइव, पाकिस्तान नीड्स टू इंपोर्ट अ वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ डैश बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट लोकल प्रोडक्शंस. ये ब्रैकेट में आप देख लो, डेयरी प्रोडक्ट्स है, एडिबल ऑयल्स, कॉटन गुड्स. तो आपने एडिबल ऑयल्स आपने यहां लिखना है. नंबर सिक्स, द थिक स्वीट रेजिड्यू ओबिटेंट्स आफ्टर बॉइलिंग शुगर कैन जूस इज कॉल्ड मोलासिस, यानी गुड़, मोलासिस ये भी गुड़ की एक किस्म है जो थिक होता है जिससे स्वीट वगैरह बनने के काम आता है, और कैनोला. ये आगे हम लेसन पढ़ेंगे, और चूंकि आपको ये इसमें मोलासिस यहाँ ये आप ठीक कर लें. नंबर सेवन, कॉर्न ऑयल इज प्रोड्यूस फ्रॉम, कॉर्न ऑयल जो है ये जाहिर है सीसेम, सनफ्लावर्स और मेज, मेज से जाहिर है कॉर्न ऑयल है तो ये मेज से हासिल होता है, मकई से, मेज मीन मकई. नंबर एट, पाकिस्तान फ्रूट एक्सपोर्ट आर मेनली डैश बनाना, डेट्स, मैंगोज, किन्नू, चेरी और एप्रिकॉट. एप्रिकॉट खुबानी होता है, बनाना जैसा कि केला, डेट्स, खजूरें, मैंगो, आम, किन्नू, किन्नू जो आप, और चेरी, ये भी क्वेटा वगैरह में ये सर्द इलाकों में ज्यादातर ये फ्रूट होता है, आपने देखा होगा. तो पाकिस्तान जो है ना वो ज्यादातर जो फ्रेश फ्रूट एक्सपोर्ट करता है वो किन्नू और मैंगोज है. जैसे सिंधड़ी आम है सिंध का, और पंजाब का चौंसा आम है, ये बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं कराची से बाय एयर, डिफरेंट कंट्रीज में इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, इंग्लैंड वगैरह में और अरब मालिक में, सऊदी अरब, दुबई, बहरीन और इन कंट्रीज में. हमारा जो चौंसा आम है इसको आमों का बादशाह भी कहा जाता है, और बहुत ज्यादा ये एक्सपोर्ट होता है और पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज कमाता है. बहुत से लोग इससे वाबस्ता हैं, वो अपनी मतलब के अर्निंग करते हैं इससे, उनका जिंदगी, निजाम जिंदगी चलाने के लिए अपने अखराजात इसी से पूरे करते हैं.
तो ये जो दो एक्सपोर्ट के लिए किन्नू और मैंगो आपने याद रखना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, तीन क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, और तीन जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन है, उसके बड़े शॉर्ट उसके आंसर होंगे। जो लेक्चर आपने सुना, आई होप यू कैन इजीली सॉल्व दीज थ्री शॉर्ट क्वेश्चंस, और आपने मुझे ये भेजने हैं अपने नाम, रोल नंबर और क्लास के साथ, ताकि फिर मैं आपकी अटेंडेंस जो है वो लगा सकूं। और इसके साथ ही हमारा आज का जो लेक्चर है इख्तिताम पज़ीर होता है। अपना ख्याल रखिएगा और नमाज बाकायदगी से पढ़ते रहें, ताकि अल्लाह की मदद और नुसरत आपके सामने याद रहे। वाखर दावन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सदक अल्लाहु अज़ीम।